वैसे तो राजस्थान प्रदेश में ऐसे कई ढाबे हैं जो अपने स्वाद को लेकर अलग ही विशेषता रखते हैं, मगर भीलवाड़ा में एक ऐसा ढाबा है जो अपने खास पराठों और लाइव सब्जी को लेकर स्वाद के दीवानों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भीलवाड़ा के जितेंद्र के हाथों में कुछ ऐसा जादू है कि लोग उनके स्वाद के लिए दूर दूर से यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। कृष्णा भोजनालय उमा सर्कल पर है आज़ाद नगर में, और अपनी दुकान यहाँ 25 साल से। मैं मेरे पापा से काम सीखा, मेरे पापा ने दादाजी से काम सीखा, पीढ़ी दर पीढ़ी काम चल रहा है और यहाँ रोटी बाटी पराठा सब मिलता है। आलू पराठा मिलता है, पनीर पराठा, काजू बादाम पराठा, लच्छा पराठा, पनीर पराठा, पनीर की सब्जी है, मटर पनीर है, फाफड़ा बाटी है, रोटी है। 10 लोगों का परिवार हमारे ढाबे से चलता है। 200-150 आदमी आ जाते हैं। खाना पसंद करते हैं? खाना पसंद सामने बनते, कोई भी सब्जी बनवाओ, डिमांड करते हैं, कोई भी बनाते मटर, कोई भी सब्जी मिल जाएगा। जी, मैं मध्य प्रदेश के रहने वाली, मध्य प्रदेश सागर के। एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मैं और मेरा भाई। जब भी हम लोगों को सब भूख लगती थी तो यहीं पे खाना खाने आया करते थे, और यहाँ के खाने का स्वाद एकदम घर जैसा है, बहुत ही अच्छा स्वाद है यहाँ के खाने का। मेरे पेरेंट्स भी कभी यहाँ पर आते हैं तो हम यहीं पे खाना खाने आते हैं। अब तो यहाँ से हमारा ट्रांसफर राजसमंद हो चुका है, बट कभी भी अगर यहाँ पे आना होता है राजसमंद से भीलवाड़ा, तो खाना तो पराठे ही होते हैं, क्योंकि क्या एक पराठे में पेट भर जाता है, उसमें दोबारा भूख भी नहीं लगती दिन भर, तो बस यहीं पे आते हैं खाना खाने। क्वालिटी मतलब ऐसे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं 5 स्टार 7 स्टार, बट एक होता है देसी स्वाद, हम इंडियन हैं, हमें चाहिए देसी स्वाद, तो वो स्वाद यहाँ मिलता है जो 5 स्टार रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा, बट यहाँ मिलेगा। समथिंग मेरे को 2-3 साल हो चुके हैं, 2-3 साल से मैं खाना यहीं खा रही हूँ।